हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो बड़े अपडेट्स फ्रेंड्स उसे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिस्प्ले पर आपने सबसे पहले जो न्यूज़ देख रखा है, चलो उस पर बात करते हैं। कॉइनबेस जो है वो रिसीव करता है अप्रूवल ताकि वो ऑफर कर सके अपनी पूरी जो सर्विसेज है क्रिप्टो से रिलेटेड उसको अपने नीदरलैंड में। तो फ्रेंड्स, चलो थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब तो यहाँ पर देखो जो क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस है, अगेन से उसी के बारे में बताया जा रहा है, तो इसे हम लोग छोड़ते हैं। अब नीचे पढ़ते हैं इस लाइन को। तो वी हैव टेकन स्ट्राइड्स टू वर्क कोलैबोरेटिवली विद गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स एंड रेगुलेटर्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जिस तरह से इनको अप्रूवल दे दिया गया है नीदरलैंड के अंदर में, ताकि ये अपने क्रिप्टो प्रोडक्ट्स के जो भी सर्विसेज हैं वहाँ पर पूरी तरह से मतलब ऑफर कर सकें लोगों को। तो यहाँ पर ये क्या करने वाले हैं, तो कोलैबोरेट करके वर्क करने वाले हैं वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसके साथ में, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ में, और जो आपको रेगुलेटर हैं उनके साथ में, ताकि क्या किया सके, तो एक अच्छे तरीके से जिम्मेदार तरीके से जो फ्यूचर है उसको सेफ दिया जा सके। मतलब सब कोई साथ में एक तरह से पैरेलल वे में काम करेगा मिलजुल कर, ताकि एक अच्छे से काम को अंजाम दिया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा स्टेप है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर जो बिटकॉइन इथेरियम टेक्निकल एनालिसिस है, वहाँ पर देखो फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि जो BTC है और इथेरियम है दोनों ही ने ही क्या किया इस हफ्ते, कॉन्सोलिडेट वाली जो है वही सीन देखने को मिला, वोलेटिलिटी बहुत सारी देखने को मिली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट का सिचुएशन क्या है, ऊपर नीचे हो रहा है इस तरह से इस रेंज में। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इथेरियम भी आपको उसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स, इसमें कुछ खास नहीं था, बढ़ेंगे अगली न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो बिगेस्ट मूवर्स आपको है, जैसे कि डॉज, इसने क्या किया तो 1 मंथ का जो हाई है उसको हिट किया है अपने सप्ताह के शुरुआत में ही स्टार्ट करते हुए, मतलब वीकेंड की शुरुआत करते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी ग्राफ को अगर एक नज़र डालें तो आप यहाँ पे देखो लगभग ये 1 मंथ का रेंज था उसको यहाँ पर इन्होंने टच कर दिया फाइनली। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे थी ये अपडेट, लगातार 3 दिन से ये मतलब आपको ऊपर की तरफ चढ़ता गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो बात करें जो वैल्यू लॉक्ड है आपको डेफाई में, वो ड्रॉप हुई है आपको, और ये जिस लेवल तक लो बनाई है अपना ड्रॉप होने का वो आपको लगभग मार्च के बाद से नहीं देखी गई थी। और यहाँ पे जो इथेरियम की डोमिनेट्स है, मतलब जो कि टोटल TVL में जो इनकी है वो 57% की प्रभुत्व जो है इनकी बरकरार है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर से अब इसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा डेट वगैरह के साथ में, टेक्निकल टर्म के साथ में, कि पिछले 5 मंथ की अगर हम बात करें मार्च 29 से लेकर अभी तक की, तो लगभग अभी तक सबसे लो पर ये आ चुका है, अच्छा खासा इनमें गिरावट देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं इसको इतना पे ही रहने देते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस अपडेट के ऊपर, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जबकि जो नॉन माइनिंग पूल्स है, मतलब जिस माइनिंग पूल के बारे में लोगों को पता है उसकी करेंटली क्या है, डोमिनेट है, मतलब प्रभुत्व है, एक तरह से सशक्त है वो काफ़ी तरीक़ों से, लेकिन जो अननोन माइनर्स हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, उन्होंने सबसे ज़्यादा क्या किया है, तो बिटकॉइन ब्लॉक्स को डिस्कवर किया है, बिटकॉइन माइनिंग को किया अंजाम दिया है ड्यूरिंग द लास्ट 13 ईयर्स। अगर पिछले 13 सालों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन ब्लॉक को जो अगर डिस्कवर किया गया तो वो अननोन माइनर्स के द्वारा किया गया, जिनके बारे में कोई रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब वो माइनर्स रजिस्टर्ड नहीं है या उनके बारे में किसी को पता नहीं है। वही जबकि जो आपको जिसके बारे में लोग जानते हैं, जो रजिस्टर्ड है, जो कि बाकी अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनका प्रभुत्व जो है वो बरकरार है। इस तरह से 2 लाइन यहाँ पर बोली गई अलग अलग। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसी के बारे में फिर से टेक्निकल टर्म के साथ में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, मतलब इसकी डिटेल में थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जिसे हम लोग नहीं देखेंगे, लगभग चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है। तो हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो जो मॉस्को आपको एक्सचेंज है वो सजेस्ट करता है आपको क्रिप्टो के जो रिसिप्ट्स होती है उसको इशू करने के बारे में सजेशन देता है, ताकि जो आपको वैसे लोग हैं जो कि ब्लॉकचेन से अफ्रेड है उनके लिए चीज़ों को ये करने के लिए बोल रहा है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो मॉस्को एक्सचेंज है जिसने प्रपोज किया है ताकि वो क्या करे, तो लीगलाइज करे जो इशुएंस होती है आपको रिसिप्ट्स की डिजिटल फाइनेंशियल एसेट के रिगार्डिंग में उसके बारे में, ताकि जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इनका ये कहना है कि ये अलाउ करेगा जो कस्टडियन है ऑफर करने के लिए क्लाइंट्स को, जो कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है उनके लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और इन्होंने बोला मॉक्स, मतलब कि आपको मॉस्को एक्सचेंज, यहाँ पर इनका है कि बिकम अ लाइसेंस क्रिप्टो एक्सचेंज ऑपरेटर, इनका दूसरा प्लान है कि एक लाइसेंस क्रिप्टो एक्सचेंजर ऑपरेटर बनने का।
तो फ्रेंड्स बात करें यहाँ पर, देखो जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं ये कहते हैं कि इंड ऑफ फेक मनी इज हियर, जो पैसे हैं जो इंड जो फेक मनी है उसका जो खात्मा है वो यहाँ पर है। इन्होंने शेयर किए अपने 3 लेसन्स जो हेल्प करेंगे इन्वेस्टर्स को, अभी के जो मार्केट क्रैश हुए उस बीच में इन्होंने अपने मतलब जो ज्ञान है उसे प्रदान किए हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आओ तो इनके बारे में अब चीज़ें यहाँ पे दी गई, रॉबर्ट कियोसाकी कौन है, उसके अलावा थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर इन्होंने बोला 3 लेसन्स डेट विल हेल्प इन्वेस्टर्स डू वेल इन मार्केट क्रैसेज, कि 3 इन्होंने लेसन्स दिए हैं जो कि इन्वेस्टर्स को मदद करेगा जो मार्केट क्रैसेज हैं उन बीच अपना काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे इनके बारे में पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन है ऊपर वाली, तो इसे हम लोग ऐसे ही छोड़ते हैं, काफ़ी बार हम लोगों ने इस पर बात की है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि ही थिंक्स डैट द इंड ऑफ फेक मनी हैज़ अराइव्ड, कि जो फेक मनी का जो खात्मा था जो अंत था वो आ चुका है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे कही है, यहाँ पे इन्होंने बोला इंड इज हियर कि अंत जो है वो यहाँ है। उसके अलावा इन्होंने बोला कॉल्ड जेरी विलियम्स माई ट्रस्टेड गोल्ड एंड सिल्वर डीलर, इनका नाम एक लिया इन्होंने जेरी विलियम्स और इन्होंने बोला कि ये मेरा ट्रस्टेड गोल्ड और सिल्वर के ये डीलर हैं। साथ ही साथ इन्होंने आगे बोला आई कांट गेट गोल्ड और सिल्वर क्वाइंस, द मिंट विल नॉट सेल मी एनी मोर टू मी, दिस मीन्स द इंड ऑफ फेक। यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैं और ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर क्वाइन को बाई नहीं कर सकता और जो मिंट होगी वो अब और ज़्यादा सेल नहीं हो पाएगी। इस तरह से चीज़ों को इन्होंने बोला, इसलिए इनका कहना है कि जो फेक डॉलर है उसका अंत जो है वो अब यहाँ है और वो शुरुआत हो चुका है, इस तरह से इन्होंने चीज़ों को बोला है। उसके बाद से फ्रेंड्स यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों इन्होंने के बारे में इन्होंने बात की है और हम लोग अब चलेंगे उस टॉपिक पे जो 3 लेसन्स के बारे में हम लोग ऊपर में पढ़ा था, तो उसको हम लोग सीधे देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो थर्सडे के दिन इन्होंने ट्वीट किया था और यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टर्स को कुछ लेसन्स के बारे में याद दिलाया जो कि इन रिच डैड और पुअर डैड में शायद इनके ही जो ये बुक है जो कि वर्ल्ड की मोस्ट सेलिंग बुक में से एक आती है, तो इन्होंने इसे बताया उनकी जो बुक में 3 लेसन्स थे उसके बारे में जिक्र करते हुए इन्होंने स्टेट किया और डिस्क्राइब किया। पहला इन्होंने लेसन जो बताया कि योर हाउस इज़ नॉट एन एसेट, कि आपका जो खुद का ही घर है वो एक एसेट नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो सेवर्स हैं वो लूजर्स हैं, मतलब जो बचत करते हैं जो सेविंग करते हैं वो इधर से लूजर है। फिर यहाँ पर तीसरा अगर इनका लेसन के बारे में बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बोला द रिच डू नॉट वर्क फॉर डॉलर, तो 3 चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बोली। तीसरा ये था कि जो अमीर होते हैं वो पैसों के लिए, डॉलर का मतलब यहाँ पे ये एक अमेरिकन है तो यहाँ पर ये बार बार डॉलर का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे डॉलर को इंडिकेट ना करके ये इंडिकेट कर रहे हैं करेंसी को। यहाँ पर इनका कहना है कि जो अमीर हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। उसके अलावा फिर से एक बार सबको अब एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद से बढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग अगले न्यूज़ के लिए। तो यहाँ पर आपका जो घर है वो कोई एसेट नहीं है, एसेट में काउंट नहीं होता है। अगर आपको ये भी नहीं पता कि हम लोग एसेट किसको डिफाइन करते हैं तो गूगल पर सर्च कर लेना एसेट किसे कहते हैं, आप क्लियर कर लोगे। या फिर अगर रिच डैड पुअर डैड की बुक आपने नहीं पढ़ रखी है तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि इसे आप पढ़ लो, बहुत ही अच्छी बुक है, काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा इसमें। अपना खुद का इन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, बहुत सारी चीज़ सीखने को फाइनेंस रिलेटेड आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे था अपना आपका घर एसेट नहीं है, दूसरा चीज़ आप मतलब जो भी लोग बचत करते हैं वो लूजर्स हैं, तीसरी चीज़ कि जो अमीर होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, मतलब कि जो गरीब होते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं लेकिन जो अमीर होते हैं वो उनके लिए पैसा काम करता है, मनी वर्क्स फॉर देम नॉट दे वर्क्स फॉर मनी, ये यहाँ पर कहने का सेंस था। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो जेपी मॉर्गन है ये कहते हैं जो डिमांड था क्रिप्टो को पेमेंट मेथड के तौर पे वो काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है, मतलब जो डिमांड था इसका पेमेंट मेथड के तौर पे उठ रहा था एक समय में वो काफ़ी तेज़ी से उस डिमांड में घटोत्तरी हुई है, वो कमी आई है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर देखो जो जेपी मॉर्गन के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो देखती है कि जो डिमांड थी आपको क्रिप्टो को एक पेमेंट मेथड के तौर पर वो अब कम हुई है, उसमें कमी आई है, मतलब अब थोड़ी बहुत ही उसकी डिमांड रह गई है। साथ ही साथ ये जो बैंक है इसने नोट करते हुए आगे बात अपनी कही कि क्रिप्टो करेंसी क्या बनता जा रहा है तो ये काफ़ी बड़ा मतलब लार्जर और बड़ा बनते जा रहा है। अगर बात करें हम लोग गेमिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा से बड़ा बनते जा रहा है, यहाँ तक कि मेटावर्स भी इंक्लूड है, इनका इंक्लूड किया जाए अगर मेटावर्स को और गेमिंग को तो इस सेक्टर में ये बड़ा बनता जा रहा है, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका कहना है। तो फ्रेंड्स लगभग जो न्यूज़ थी अभी टाइम पे मैंने अपडेट की कर दी आपके लिए, अब आपसे बस एक ही चीज़ है लाइक कर दो इस वीडियो को सॉरी, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो नए हो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।